तो स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक बार वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज जो मैं जानकारी लेके आया हूँ दोस्तों लेके आया हूँ जियो और वी की तरफ से, यानी कि वोडाफोन आइडिया की तरफ से। तो दोस्तों कल एयरटेल ने अपने रिचार्ज प्लान बढ़ाए थे और ओला बोलने वाले 26 नवंबर से। तो इसी के साथ दोस्तों वी ने भी अपने रिचार्ज प्लान बढ़ा दिए दोस्तों, उसके अंदर भी 20 से 25% की बढ़ोतरी वी ने कर दी है। तो दोस्तों फुल डिटेल के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि वी ने कौन सा रिचार्ज प्लान कितने का कर दिया है। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। तो दोस्तों मेरा नाम है शेरू और स्वागत है आपका टेक हुनर में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ वी के कस्टमर जो वोडाफोन आइडिया के कस्टमर उनके लिए भी है दोस्तों बैड न्यूज, क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने भी अपने रिचार्ज प्लान के अंदर बढ़ोतरी कर दी दोस्तों, उन्होंने भी करी 20 से 25% की। तो दोस्तों ये सभी रिचार्ज प्लान महंगे क्यों हो रहे हैं? इससे पहले कर रहा था दोस्तों एयरटेल ने रिचार्ज प्लान महंगा और वो लागू होने वाले 26 नवंबर से। तो सेम टू सेम वोडाफोन के अंदर भी वही रिचार्ज प्लान आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो ये दोस्तों जो रिचार्ज प्लान महंगे हो रहे हैं ये हो रहे हैं दोस्तों 5G लॉन्च होने की वजह से, क्योंकि जो अभी ये चल रहा है वो चल रहा है दोस्तों 4G, और 5G लॉन्च होने के अंदर कम से कम लगेगा दोस्तों 1 साल। तो 5G लॉन्च होने की वजह से रिचार्ज प्लान के अंदर बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो थोड़े ही दिनों में दोस्तों आपको देखने के लिए मिलने वाला कि जियो भी अपने रिचार्ज प्लान के अंदर बढ़ोतरी कर देगा दोस्तों। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलना, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि मेरी जानकारी आपको कैसी लगी। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।